प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तब इसमें उपस्थित 1/2 जल के अणु वाष्पित हो जाता है और बचा हुआ अवशेष पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने एवं सजावट के सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने के लिए, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए।